सोनाव बैटकॉम ग्रुप अब देखिए उन्नीस सौ रुपए पच्चीस पैसे पर क्लोजिंग है और ये स्टॉक अभी ना बीस रुपए तीस पैसे के अराउंड अभी गया था लेकिन वहां से क्या है कि वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है बार बार और ये आकर चिपक जाते हैं उन्नीस रुपए पर कल आठ जनवरी है और कल यहाँ पर सेट का यहाँ पर कुछ खबर आ सकती है सो देट यहाँ पर ध्यान रखें और इवन अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी यहाँ पर अच्छा खासा है 1.85 करोड़ यहां पर क्रॉस यहां पर फाइल किया गया है सेबी सॉरी सॉरी ब्रैडकॉम ग्रुप की तरफ से सेबी और सेट के ऊपर मैं यहां पर एक बात जानना चाहूँगा ये इतना सब चल रहा है बीसीजी आप कुछ नहीं बोलते हैं अभी तक बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोले भी नहीं है क्या लगता है कौन ठीक लग रहा है क्या बी सही लग रहा है अपनी जगह या फिर सेबी या सेट बहुत सारे लोगों की राय है सो so दैट आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या लगता है क्या है आपको इस मैटर के ऊपर क्योंकि वो नौ फरवरी तक जिस हिसाब से यहां पर बताया जा रहा है कहीं ना कहीं चीजें क्लियर होने वाली आठ जनवरी कल के दिन यहाँ पर जो है न्यूज आ सकती है यहां पर बात करेंगे पंद्रह जनवरी की तो यहां पर आपका क्यू टू के नंबर्स अब ऑडिटर चेंज हुए तो नंबर्स कैसे आएंगे वो भी देख रहे हैं ऊपर से यहाँ पर एसके आर बोल चुके हैं कि यहाँ पर नंबर्स जो है वो डेटोरेट हो सकते हैं आप कितने डेटोरेट पर अपने को पता चलेगा थ्री के नंबर्स भी आने वाले हैं सो दैट क्यू थ्री के नंबर्स भी यहाँ पर फरवरी के टाइम फरवरी या मार्च के टाइम अराउंड यहाँ पर आते हैं सो दैट उसके नंबर भी आ जाएंगे तो अभी देखना है बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है हो ही रही हैं और इसके बाद जो फरवरी में जो डेटा आएगा जनवरी का म्यूचुअल फंड का उस पर भी नजर रखनी है बहुत काइंडली क्लोजली बहुत यहाँ पर जो है नजर रखनी है सो दैट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक रेंज हमें देख रही है उन्नीस सौ एक ऐसा मार्क हो गया है वहां पर भाई साहब खटिया डाल कर ये एकदम बैठे हुआ है ब्रैडकॉम ग्रुप आप कह सकते हैं लेकिन मुझे लग रहा है ये एक ना एक फील जो आता है लग रहा है बीसीजी जो है ना वो कहीं ना कहीं चल सकता है यस yes, ये अब टाइम है ब्रैडकॉम ग्रुप का और ये बड़ा टाइम होने वाला है कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं लेकिन फिर भी हम उस बात को नहीं भूल सकते रिस्क हमने कितना लिया है जरा चेक कर लीजिएगा अगर आपने शेयर खरीद रखे हैं आप कह रहे थे कि अगर 36 पर खरीद रखा है या 40 पर ख़रीद रखा है तो मैं क्या चेक करूं क्या रिस्क है मैं तो ऑलरेडी यहां पर लॉसेस में हूं तो उसका क्या कर सकते हैं लेकिन जो नए इन्वेस्टर्स हैं हम तो चलो पुराने निवेशक हैं भाई ठीक है उससे हमें समझ में आता है हम अगर हमने साठ पर ख़रीद रखा है अस्सी पर ख़रीद रखा है उसका कोई रोल नहीं है उसका कोई महत्व नहीं है इस वक्त अभी फिलहाल में लेकिन जो नए निवेशक हैं एटलीस्ट चलो पुराने लोग जो हैं उनकी तरह कम से कम वो पिसेगा नहीं तो नए निवेशक जो आ रहे हैं जो पसंद कर रहे हैं बीसी जी को बस रिस्क आप कितना ले रहे हैं उतना आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये कब क्या किधर की तरफ क्या न्यूज आ जाए कुछ पता है नहीं सिंपल सी बात है सो लेट्स ये देखते हैं यहाँ पर लेकिन उन्नीस रुपये बहुत अहम जगह है बीसी जी के लिए ये हमें समझ में कहीं ना कहीं आ रहा है रिकवर होकर वापस उन्नीस रुपए उन्नीस रुपए पर होल्ड करना है ब्राइड को ग्रुप उन्नीस रुपए को बहुत ही मतलब अपना भैया समझ कर यहाँ पर जो है ना बस बैठा रहता है यहाँ पर तो ये हमें समझ में आ रहा खैर कोई दिक्कत नहीं है बैठा है तो बैठा है भाई पॉज है पॉज है कोई प्रॉब्लम नहीं है बस यहाँ पर अपने को डाउन साइड नहीं दे तो डाउन साइड जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है लिमिटेड है और अभी हमको देखने को मिल ही रहा है पिछली बार जब यहाँ से डाउन साइड गया था सत्रह रुपये पचानवे पैसे से ही ये घूम गया था इस बार भी यहाँ पर हुआ इस बार भी उसी प्राइस से ये स्टॉक घूमता हुआ देखा वापस यहाँ पर जो है ना आपको देखने को मिला सत्रह रुपये पचानवे पैसे यानी कि अट्ठारह रुपये की तरफ यहाँ पर इशारा कर रहे हैं और उस हिसाब से जो अपने को एक दिख रही थी कि ये यहाँ से घूमेगा तो वो घूम गया स्टॉक लेकिन इतना पता है बॉस कि जिस हिसाब से बैटकॉम ग्रुप के अंदर जिस हिसाब से थकावट कहें या फिर एक जगह कंसोलिडेट हो रहा है एक रेंज में कंसोलिडेट हो, हो रहा है आप कह सकते हैं कि पंद्रह से बीस रुपए की रेंज में एक लंबा वक्त काट रहा है ये ये अब यहाँ पर ना जब चलना स्टार्ट करेगा पीछे मुड़कर नहीं देखेगा कहीं ना कहीं पीछे मुड़कर नहीं देखेगा कोई भी न्यूज़ आ रही है उस पर रिएक्ट ही नहीं कर रहा पहले क्या होता था कुछ अच्छी खबरें आती थी तो रिएक्ट नहीं करता था अब इतनी ख़बरें ख़राब आ गई उसने रिएक्ट नहीं किया रिएक्ट किया तुरंत ही आपको मौका दिया चौका मार दिया सो so दैट इस तरीके से तो पॉजिटिव भी है हाईली पॉजिटिव भी है और हमारे लिए थोड़ी सी खबरें जो है डर तो बना हुआ है कि क्या निकल कर आ सकता तो एक वो कॉसेस और पैनिक वाली सिचुएशन तो है कि क्या निकल कर आएगा बस थामे हुए हैं अपने आप को कैसे भी करके सो दैट यहाँ पर देखेंगे म्यूचुअल फंड का डेटा और हमारा निपोन एक साथ ही भैया क्योंकि निपोन ही था जब इसने बढ़ाना स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड की तरफ से पहला संकेत तो इसी ने दिया था अपने को और लगातार एग्रेसिवली इसने बढ़ाया उसके बाद बाकी सब आए तो निपोन को तो भूल ही नहीं सकते हैं निपोन ने भी यहाँ पर जो है अब 11 लाख शेयर्स पहुँच गए ग्यारह लाख चौबीस हज़ार सात सौ सात सौ सत्तानवे सत्तानवे शेयर्स यहाँ पर जो है पहुंच चुके हैं सिक्स पॉइंट नाइन्टी फाइव परसेंट शेयर्स यहाँ पर इंक्रीज किए पिछले महीने फाइव परसेंट किया था इस बार सेवन परसेंट के अराउंड और ग्रो भी आ गया है इस चीज़ में ग्रो भी यहाँ पर इंक्रीज करने लगा पचास परसेंट इंक्रीज के लिए चलो ठीक है छोटा सा फंड है अभी तो शुरुआत है ग्रो की अभी इतना पैसे वैसे है नहीं जगह पूरी जगह है मार्केट में जगह जगह लगाने हैं एक रूल भी होता है म्यूचुअल फंड का तो उस हिसाब से ये सब चल रहे हैं बट यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड में ग्रो भी इंक्रीज कर रहा है तो म्यूचुअल फंड का अच्छा डेटा अपने को देखने को मिल रहा है यही डेटा हमें जनवरी का फरवरी में देखना है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्योंकि इतना सब अब मैटर चल रहा है ठीक है सेट की अब यहाँ पर बातचीत चल रहा है स्टार्ट है सेट यहाँ पर बताएंगे क्या करना है सिंपल सी बात है नंबर्स भी हैं तो ऐसे में म्यूचुअल फंड वाले क्या कर रहे हैं ये अपने को पंद्रह सॉरी पाँच फरवरी को पता चलेगा तो वो डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगर बढ़ाएंगे तो ये अचानक से ही बढ़ाना स्टार्ट करें जनवरी का डेटा अगर सेट की तरफ से कुछ पॉजिटिव आया जनवरी का डेटा ये लोग काफ़ी पॉजिटिव रखेंगे म्यूचुअल फंड वाले लेकिन अगर कुछ यहाँ पर एप्स एंड वर्ड्स हो गए तो फिर यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड का देखते हैं वही रवैया तो देखना है कि फरवरी में क्या आने वाला है तो वो देखेंगे फिलहाल मार्केट कैप ऐप तीन करोड़ यानी कि चार करोड़ की तरफ एक गट फीलिंग आ रही है लेकिन इसको ना आप न्यूट्रल ही लेना न्यूट्रल का मतलब न्यूट्रल इसको सुनो और बस ख़त्म करो गट फीलिंग यही है कि भाई साहब ये स्टॉक ना अब बस चलने वाला है अब ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया हो सकता है इस हफ्ते ही बड़ी मूव आपको देखने को मिल जाए कल से ही लेकिन देखना पड़ेगा बड़ी मूव के लिए कहीं ना कहीं तैयारी तो है ये साइड से ना कि लग तो रहा है लेट्स सी देखते हैं पर पर वापस बनते हैं या नहीं बनते हैं पांच हजार है। है, so अपने सामने सब कुछ ये बात है मैं आपको एक रियल बात बताऊ इस पर ना बहुत सारे लोग कुछ बना भी रहे हैं वीडियोज वीडियो चल रही है ब्रैटकॉम ग्रुप के ऊपर बीसी का मैटर ये पांच करोड़ पांच करोड़ ये सब चल रहा है फलाना टीम का ये कोई भी गौर करना कोई भी उस वक्त नहीं बोला था जब ये दो सौ रुपये गया था कोई आपके सामने ये नहीं, नहीं बता पाया था जब गिरता है तो सबको यहाँ पर जो है उसके अंदर की कमियाँ और अंदर का क्या चल रहा है ये सब बाहर निकल के आता है बहुत सारी स्टोरीज बनती हैं ये वगैरह वगैरह कोई रिटेल ने का नहीं सोचता है एक रियलिटी फैक्ट है ठीक है अगर इतना ही प्रॉब्लम था और इतने ही रिसर्च एनालिस्ट बनते हैं सब तो आपको स्टॉक को पहले ही पकड़ लेना चाहिए था कि इतना प्रॉब्लम चल रहा है और जो तेज़ी है हो सकता है इस तेज़ी में बिकवाली करके निकल आओ सिंपल सी बात है ये आ जाने चाहिए थी खबर लेकिन जब स्टॉक 80 परसेंट टूट गया तब यहाँ पर एक स्टोरी लेकर आते हैं ताकि थोड़ा सा भाई हो जाए इधर उधर तो अस्सी गिरने के बाद जब आप बता रहे हैं तो फिर कोई मतलब तो है नहीं सिंपल सी बात है ना तो वो उसका कोई वैलिड रह ही नहीं जाता है फिर उसके बाद आप कुछ भी कहते रहिए स्टॉक ये है वो है वगैरह वगैरह और अगर यही यहाँ पर जो है ना अस्सी परसेंट अब चढ़ जाएगा तब ये क्या होगा तो कुछ पता नहीं सो so दैट ये सब अब चीजें साइड में यहाँ पर निकल कर के आता है उस पर ध्यान दीजिए मैं तो फिर भी कहता हूँ कि यहाँ पर ना आप क्या पता लगा पाओगे ये देखिए क्या पता लगा वागे? आप कैश फ्लोज में चले जाओ Receibles के अंदर भी चले जाओ तो आपको कितना पता चल जाएगा कितना पता चल जाएगा बताइए चीज, चीज रिटेल ने वैसा कि हम जैसे लोग कैसे चेक करोगे सोचा है कभी तो वो नहीं हो पाएगा वो इनसाइड जो चल रहा है वो ला पाएगा सिर्फ और सिर्फ यहां पर एजेंसीज बस वही उनके हाथ में उनकी ताकत है भाई साहब उनकी ताकत है वही कुछ कर सकते हैं तो वो सारी चीज़ें जो वैलिड चीजें आ रही हैं उन पर ध्यान दें ना कि कुछ और और बड़े ताज्जुब की बात है कि जरा यहाँ पर शेयर होल्डर फंड देखिएगा रिजर्व यहाँ पर सात हजार एक करोड़ पर पहुँच चुका है सेवन थाउजेंड वन करोड़ का कैश है कंपनी के अंदर अब बात बताइए आप सात हजार करोड़ का कैश है और यहाँ पर मार्केट कैप है चार हजार करोड़ के अराउंड यानी कि स्टॉक यहाँ से डबल हो जाने चाहिए इस बात पर कैश डला है यहाँ पर जो है सात हज़ार एक करोड़ शेयर होल्डर फंड में तो अब आप बताओ यहाँ पर मार्केट कैप कहाँ चल रहा है और कैश कहाँ पर है कंपनी के पास तो इतना मज़ाकिया चीज़ें लगती हैं खैर अब वो यहाँ पर सारी चीज़ें वो रियलिटी आने वाली हैं लेट्स अब इतना लंबा टाइम वेट कर लिया है अब एक महीने में क्या ही हो जाए अगर सो डैट यहाँ पर इंतजार करिए क्यों टू कि नंबर्स अपने वो बताएंगे कि कैसे रियलिटी आ रही है भाई साहब देखते हैं कितना डिटोरेट हो रहा है लेकिन शेयर होल्डर्स फंड जो हिसाब से बताए जा रहे हैं ना उस हिसाब से तो इसके स्टॉक डबल हो जाने चाहिए था यानी कि स्टॉक यहाँ पर चालीस रुपये का होना चाहिए था लेकिन फिर भी ये सब अभी लिखावट अभी अपने को दिख रही है क्योंकि ये बहुत सारा मामला जो है वो कंपनी के अंदर चला है तो लिखावट है लेट सी क्या रहता है क्या ये रियलिटी है रियल है तो सारी चीज़ें बाहर निकल के आएंगी अन है तो वो अपने को समझ में आ जाएगा ऐसे में स्टॉक का भाव क्या होगा कहना मुश्किल है ये तो वक्त ही बताएगा कि कहाँ जाने वाला है बी जी बट देखते हैं यहाँ पर सो उम्मीद है ये सारे के सारे लेवल्स रहे अगर आपको यूज़ करने हो तो अदरवाइज़ देर शाम कोई न्यूज़ आएगी तो उसमें कोई लेवल लेवल तो काम करेगा नहीं सिंपल सी बात है सो बस एक ही बात है रिस्क कितना लिया है ज़रा देख लीजिएगा नए निवेशक लिए नए निवेशक लिए पुराने निवेशक क्या ही करोगे कुछ लोग हैं जिनके पास तीन रुपए के हिसाब से भी होगा तो वो लोग जो फंसे हुए हैं क्या करेंगे लेकिन जो लोग अभी फंसे हुए नहीं हैं एटलीस्ट वो तो अपना देख ही सकते हैं तो देख लीजिए जितना हो सके उतना खरीए अदरवाइज न्यूज तो फिर अपना काम करेगी सो है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट में गई और वीडियो देखने के लिए बहुत तो दोस्तों